खरगोन जिले के नगर पालिका टाउन हॉल में विजय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त समाज सेवी सहित अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्र हित में अपने वक्तव्य पेश किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने बताया कि देश के सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए पराक्रम दिखाया था। इसी उपलक्ष्य में देश के नौजवानों में नव चेतना लाने के उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निश्चित तौर पर देश के भविष्य को नए आयाम पेश होंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हम ऐसे जिस तरह से आज विजय दिवस मना रहे हैं, उससे हमारी युवा पीढ़ी उत्साहित होगी, सेना के प्रति उनको रुझान बढ़ेगा, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी। निश्चित रूप से 71 का जो युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया था और आज हम उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। तो मेरी सारी युवा पीढ़ी से ये अनुरोध रहेगा कि आप देशभक्ति के लिए आगे आइए, देश सेवा के लिए आगे आएँ, फौज में जाएँ। अगर नहीं जा पाते तो आप जहाँ भी हैं वहीं पर देशभक्ति और देश सेवा में तत्पर रहें, यही राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। युवा सैनिकों के लिए हमारा यही उद्देश्य है सर, उनमें उत्साह और जोश, और हम चाहते हैं, हमने तो हमारे दिन मतलब जो है गुजार दिए, और ये 71 के बाद से ही उत्साह मतलब पैदा हुआ है, जवानों में भी हुआ है और हमारे जो है जो देश के जो है और भी जो सैनिक वगैरह हैं उनमें तो उत्साह है, पर जवानों के अंदर भी है, नौजवान जो अभी है उनके अंदर भी उत्साह है कि मैं भी फौज में जाऊं। और मैं चाहता हूं, उनसे मेरा अनुरोध यही है कि वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आए, क्योंकि एजुकेशन वाले की वहां पर इज्जत है। युवा पीढ़ी को संदेश ये है कि यदि देश के लिए आप करते हैं तो आपका सम्मान होगा, आपको हर तरह से लोग सराखों में बिठाएंगे। और जैसे 71 की जो लड़ाई में देश ने विजय हासिल की थी और देश का नाम ऊंचा किया था, उसी तरह से आप भी अपना योगदान दें। और जो लोग जहाँ पे भी हैं, जैसे देश में दो तरह की सेवा हो सकती है, एक देश के अंदर और एक देश बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री के ऊपर सैनिक हमारे डटे हुए हैं और तत्परतापूर्वक काम कर रहे हैं, आज तक कभी आँच नहीं आने दी देश के ऊपर। इसी तरह से देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी यही संदेश जाता है इससे कि हम भी हमारा काम उतनी तत्परतापूर्वक पूर्ण करें और जो काम भी दिया आपको उसको ईमानदारी से निभाएं, तो देश अंदर भी सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा और सक्षम रहेगा और देश बाउंड्री पे भी सक्षम होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।